तो चलिए अब आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाएंगे जहां वसुंधरा राजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुकी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया जा रहा है। और देखिए सीधे लाइव तस्वीरें सालासर से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर फूलों की बारिश कर वसुंधरा राजे का स्वागत किया जा रहा है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लगातार फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं जहां कार्यक्रम को लेकर हजारों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद है और ऐसे में वसुंधरा राजे कार्यक्रम स्थल पर सालासर बालाजी पहुंच चुकी है। वहीं फूलों की बारिश कर माला पहनाकर वसुंधरा राजे का स्वागत किया जा रहा है और भीड़ आप समझ सकते हैं क्या कि कितनी भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, वसुंधरा राजे वहां पर पहुंच गई है, आगे क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं? अब देखिए बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुंच गई हैं और उनका स्वागत हुआ है, कार हुआ है यहाँ पर। कहा जा सकता है कि पूजा अर्चना कार्यक्रम रहेगा, हनुमान चालीसा के पाठ होंगे और फिर यज्ञ होगा। मैंने आपको बताया कि सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। निहाल चंद है सांसद श्रीगंगानगर से, जयपुर के सांसद है रामचंद्र गोरा उड़ला यहाँ पर दिख रहे हैं, जो विधायक है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर मंदिर कमेटी द्वारा उनका स्वागत हुआ है और अब वो धीरे धीरे जो है मंदिर आते की तरफ बढ़ रही है। तो देखिए इस कार्यक्रम के भले ही अभी तक धार्मिक कार्यक्रम है निश्चित तौर पर पूजा अर्चना का, लेकिन इसके बाद जो सभा होनी है वो अपने आप में दरअसल आप समझिएगा कि उसके सियासी मायने हैं और उसके कई तरह से देखा जाएगा कितनी भीड़ जुटेगी, क्या बोला जाएगा, क्या संबोधन होगा। हालांकि अरुण सिंह कह चुके हैं कि भाजपा एक साथ कई कार्यक्रम भी करे तो क्या दिक्कत है और उन्होंने ये भी कहा कि निशाने पर कांग्रेस होगी। तो देखिए प्रभारी होने के नाते अरुण सिंह अपने कुनबे की एकजुटता दिखाने का संदेश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है आप इस बात को समझिए कि कहीं ना कहीं जो शक्ति प्रदर्शन की बात है वो ये बताती है कि राजस्थान की सियासत में जो चीजें दिख रही हैं भाजपा की सियासत में केवल वैसा नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे अभी हम ये दिखा रहे हैं किस तरह से जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हनुमान मंदिर यानी बालाजी की शरण में प्रार्थना के लिए यहाँ पर पहुंच रही हैं। यहाँ से हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर जहाँ पर पूजा अर्चना होनी है यहाँ पर सबसे पहले आरती हाल है यहाँ पर आएंगी और उसके बाद दर्शन का कार्यक्रम रहेगा। तो ये देख सकते हैं आप, कैमरामैन गुलाम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको किस तरह से जोश और आक्रोश यहाँ पर एक तरह से कहिएगा उत्साह नजर आ रहा है। बिल्कुल लक्ष्मण, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।